ग्लिसरीन में बस ये एक चीज मिलाकर चेहरे पर लगा लिया तो काली परत हटेगी, त्वचा इतनी ग्लो करेगी और शाइन बहुत अच्छे से आएगी। अगर आपको जाना है शादी पार्टी में कहीं पर, या फिर आपको घर पर ही अपनी त्वचा को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाना है, और सर्दी के टाइम पर स्पेशली आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि आप कैसे जो है फेशियल कराएं या फिर बहुत ज्यादा स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्किन को साफ करें, तो एक बहुत अच्छा अमेजिंग पैक मैं आप सभी को बता सकती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है और बस इसको एक ही बार में आपने यूज करना है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी कैसे ग्लिसरीन का इस्तेमाल आपकी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ग्लिसरीन हमारी त्वचा के लिए ग्लाइकोलिक एसिड देता है और जो कि हमारी स्किन में एक ग्लो इनहेंस करने का काम करता है। न सिर्फ ग्लिसरीन ग्लाइकोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स है बल्कि ग्लिसरीन आपकी त्वचा को अंदर तक मॉइस्चर पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए सबसे पहले एक बॉल के अंदर एक चम्मच डाल दीजिए ग्लिसरीन। नेक्स्ट आपने यहाँ पर लेना है हनी, शहद का आपको यूज करना है। सर्दी खांसी की समस्या के लिए तो आप इसको यूज करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पैक के तौर पर जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग होगा। लश लश ग्लो करेगी आपकी स्किन अगर आपने इसको सही तरह से यूज कर लिया। एक चम्मच मैंने यहाँ पर शहद डाल दिया है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि अपना यूज करना है, यही कोकोनट ऑयल। आप इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल डाल दीजिए और इन सभी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर आपको चाहिए एलोवेरा जेल, एक चम्मच एलोवेरा जेल डालिए और फिर यहाँ पर जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है आपका, वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले ही इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं क्योंकि कोकोनट ऑयल ऐड किया है तो ये थोड़ा सा फ्रिज हो जाता है, इसलिए मैं इसको बीच में थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ। अब ये देखिए गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क यूज़ करना है आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग। मैंने दो चम्मच डाल दिए और इसको मिक्स कर लेंगे। एक बहुत ही स्मूथ और फ्लफी स्मूथ पैक तैयार होगा, एकदम स्मूथ वाला पैक आपका तैयार है। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर इस मास्क को लेकर आपको ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है और पूरे फेस पर इक्वली आप इसको लगा लीजिए और वेट करेंगे आप इसके ड्राई होने का। देखिए जब तक कंप्लीट ड्राई ना हो जाए, आई डोंट सजेस्ट यू कि आप इसको पील करें, इसको पील ऑफ नहीं करना। जब बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तभी आपने इसको पील ऑफ करना है। तो अच्छे से हम इसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद में कम्प्लीटली ये ड्राई हो चुका है, इसको साइड से हमने रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। तो आप इसको वीकली स्किन केयर रूटीन में एक बार फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ही स्पेशल है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जाते रहते हैं, ट्राई कीजिएगा। वेल आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।